जय हिंद। इस वीडियो में ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। देखिए, आज से मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इस अच्छी तेजी के साथ ट्राइडेंट का शेयर प्राइस भी काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ट्राइडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आए हैं और साथ में कुछ जुमा देने वाली खबरें भी हैं। इन सभी चीज़ों को एकदम आसान भाषा में बताऊंगा इस वीडियो में, वो भी बिना किसी देरी के। तो डायरेक्ट चलते हैं बोर्ड पर, एकदम शुरुआत करेंगे शुरू से। सबसे पहले आप समझिए, जो ट्राइडेंट कंपनी है भारत की सेकंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट जी। और यह क्या बनाती है? तो यार्न, केमिकल, पेपर और कैप्टिव पावर की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। खासकर यार्न और केमिकल के क्षेत्र में कंपनी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सब चीजें बनाती है। अब समझेंगे, कंपनी का मार्केट कैप है 25,094 करोड़ रुपए। कंपनी का वैल्यूएशन काफी तेजी से बढ़ा है। अब यह कंपनी जिसका मार्केट कैप है 25,094 करोड़ रुपए, यह एक मिड कैप की कंपनी बन चुकी है। शेयर प्राइस है 51.90 रुपए। और अब ग्राफ में देखेंगे कितना तेजी से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब ग्रीन देखकर काफी दिनों बाद आज पोर्टफोलियो थोड़ा सा हरा नजर आया है। तो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, हाई लगा चुका है 70 रुपए का। और यह जो हाई लगा है 70 रुपए का, यह इसी साल 17 जनवरी को लगाया था। 17 जनवरी को हाई लगाने के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा। तो आप उसके बाद से देखे होंगे कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम 48 रुपए से 50 रुपए और 50 से 64 रुपए, इसी के बीच में कई दिनों से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि मार्केट खुद ही लगभग देखेंगे तो फरवरी से काफी तेजी से नीचे की तरफ उठ गया है। तो मार्केट डाउन जा रहा था तो इस कंपनी का भी शेयर प्राइस डाउन जा रहा था। दूसरा कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, कंपनी में इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है। और एक कारण है, कंपनी ने सेबी ने इस कंपनी को अभी भी एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है। हालांकि उम्मीद है मार्च अभी जो शुरू हुआ, इस मार्च में कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएगी। उसके बाद तो रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ भागेगा। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आए उसके बारे में आपको बता रहा हूं। वो अपडेट क्या है? अपडेट है कल के दिन का, 8 मार्च का अपडेट है। इस अपडेट में बताया गया है कि कंपनी को रेटिंग दिया गया है। इस कंपनी को यह रेटिंग कौन दिया है? इंडियन रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च नाम की एक रेटिंग एजेंसी है जिसने ट्राइडेंट लिमिटेड को रेटिंग दिया है। कैसा रेटिंग दिया है? तो अपग्रेडेड रेटिंग दिया है। अपग्रेडेड रेटिंग कहने का मतलब है कि पिछली बार जो रेटिंग दिया गया था उससे बढ़ाकर, उससे अच्छा रेटिंग इस बार दिया गया है। अपग्रेडेड रेटिंग जब किसी कंपनी को दिया जाता है तो कंपनी का साख बाजार में थोड़ा बढ़ जाता है, कंपनी को आसानी से लोन वगैरह मिलने लगता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू होता है बढ़ जाता है। और तो यह जो अपग्रेडेड रेटिंग दिया गया, कौन सा रेटिंग है? तो देखेंगे AA+ का रेटिंग दिया गया है ट्राइडेंट लिमिटेड को। तो जो इतने भी शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उनके लिए खुशी की बात है कि कंपनी का मतलब बेहतर कामकाज कर रहा है। इसके प्रदर्शन को देखते हुए रेटिंग एजेंसियां किसी भी कंपनी को अच्छी रेटिंग देती है। अब समझिए, एक दूसरा जो अपडेट है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल आपको पता है दिग्गज एक ब्रोकरेज हाउस है भारत का। इसने इसका टारगेट दिया है 73 रुपये तक, मतलब इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी 73 रुपये तक जाने को आपको दिख सकता है। हालांकि ये जो इतना मार्केट अगर डाउन नहीं गया रहता तो इसका शेयर प्राइस कभी 70 रुपये तक तो हाई लगा ही चुका था, 73 रुपये के ऊपर भी चला गया रहा था, लेकिन मार्केट डाउन जा रहा था इस चलते नहीं गया। और दूसरा झुमा देने वाली जो खबर है उसके बारे में ये समझिए, होल्डिंग पैटर्न में आपको मजा आएगा। इसमें है वो झुमा देने वाली खबर। देखिए, प्रमोटर्स के पास 72.94% की हिस्सेदारी है, लगभग 73% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर्स इसमें ज़्यादा हैं। दूसरी अच्छी बात यह कि इसमें विदेशी वाले भी हैं। तो चूंकि यह कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, तो विदेशी निवेशक इसके प्रति आकर्षित होंगे, ये तो बात सही है। इसमें देखिए, फॉरेन वाले के पास 2.48% की हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो फॉरेन वाले इसमें अपने निवेश बढ़ा रहे हैं, लगातार इनका जो हिस्सेदारी है बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा DII वालों जो 0.02% की हिस्सेदारी, और ये भी देखेंगे तो बढ़ रहा है, मतलब FII और DII अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक और जो अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट का स्टेक इस कंपनी में है, और जिस कंपनी में गवर्नमेंट का निवेश होता है उसमें शेयर होल्डर्स का भरोसा, लोगों का भरोसा बढ़ता है। अब देखिए, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है 1.87% और गवर्नमेंट भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, मतलब विदेशी निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट लगातार इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो पब्लिक क्यों पीछे रहेगी, हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? हम लोग के लिए भी मौका है। पब्लिक ने देखिए, हालांकि एक दो क्वार्टर्स लगभग कोई हिस्सेदारी नहीं बढ़ा है, 20.87 का इतना ही सेम बना रहा है, लेकिन अभी चूंकि मार्केट डाउन आया था 49 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस आया था, तो हो सकता है कुछ लोगों ने शेयर बाय किए होंगे बेशक, या एवरेज भी किए होंगे। तो अगली बार जब अपडेट होगा इसका होल्डिंग पैटर्न, तो इसमें पब्लिक का हिस्सेदारी भी बढ़ते हुए नजर आएगा। मैंने ओवरऑल बात कहें तो लोगों का भरोसा इस कंपनी के प्रति बढ़ते जा रहा है। कंपनी आने वाले समय की एकदम मार्केट लीडर है यह कंपनी। अभी जो सेकंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल आप देख रहे हैं, कुछ समय बाद आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट लार्जेस्ट, एकदम लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल कंपनी है ट्राइडेंट। इसके अलावा समझेंगे, इसने जो ट्राइडेंट कंपनी mytrident.com नाम से अपना एक वेबसाइट बनाया है। इस वेबसाइट पर कंपनी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने जा रही है। कंपनी का एक्सपेंडेशन का काम लगातार बढ़ते जा रहा है, और इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस वो भी लगातार बढ़ रहा है। ओवरऑल बात कहें तो टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनी ट्राइडेंट, इसका फ्यूचर काफी उज्जवल है। जितना मौका मिला आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई सोचने घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, मेरे कहने पर बाय और सेल नहीं कीजिएगा। तो इस वीडियो में भी आपकी रिकमेंडेशन रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैं जो बताना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।